चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो टर्म देख लिए थे, एक था एंटिटी और एक था आपका एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो एंटिटी भी हमने देख लिया था कि व्हाट इज एन एंटिटी, उसके बाद हमने एंटिटी सेट्स देखे थे, हाउ टू रिप्रेजेंट एन एंटिटी सेट इन ईआर डायग्राम वो देखा था, फिर हमने देखा था कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एंटिटी सेट्स के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसके बाद टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट देखे थे जिसमें उन्होंने सिंपल एंड कंपोजिट, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड, स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एंड नल एंड प्राइम एट्रीब्यूट देखा था। क्लियर है? आज नेक्स्ट क्लास देखते हैं हम, या नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम लोग, वो है रिलेशनशिप। सो अ रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटीज, एंड रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कस्टमर एंटिटी सेट है, ठीक है, उसके सेट ऑफ कस्टमर्स है मेरे पास, तो उसका ये एक एंटिटी होगा। सिमिलरली ये मेरे पास लोन एंटिटी सेट है अगर, ठीक है, जिसमें मेरे पास सेट ऑफ लोन्स हैं, ठीक है, तो उसमें ये एक लोन एंटिटी है, ठीक है, तो ये एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा हूँ, इनके बीच में एक एसोसिएट कर रहा हूँ कि ये एक पर्टिकुलर कस्टमर हेज है जिनके पास, जिसकी लोन आईडी क्या है, L15 है। क्लियर है? सो वी कैन डिफाइन रिलेशनशिप दैट एसोसिएट कस्टमर हेज विथ लोन L15। सो दिस रिलेशनशिप स्पेसिफाइज दैट हेज इज एन कस्टमर विथ लोन आईडी और लोन नंबर L15। सो दीज आर दी कस्टमर एंटिटीज, दीज आर दी लोन एंटिटीज, एंड दिस इज दी एसोसिएशन अमंग दिस कस्टमर एंड लोन, दैट हेज इज ए कस्टमर विथ लोन आई डी L15। क्लियर है? सो इन ईआर डायग्राम वी डोंट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप, रादर वी स्पेसिफाई द रिलेशनशिप सेट। सो वॉट इज अ रिलेशनशिप सेट? अ रिलेशनशिप सेट इज ए सेट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सेम टाइप। क्लियर है? मतलब सेम टाइप्स ऑफ जो रिलेशनशिप्स हैं उनके सेट को हम बोलेंगे रिलेशनशिप सेट। फॉर्मली इट इज एन मैथमेटिकल नोटेशन, सो मैथमेटिक रिलेशन ऑन एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, दैट मींस एटलीस्ट दो एंटिटीज होने चाहिए, वो भी पॉसिबली नॉन डिस्टिंक्ट, सेम एंटिटीज भी हो सकते हैं, आगे हम देखेंगे कि सेम एंटिटीज भी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। Clear? So it is a mathematical relation on n is greater than 2. N is greater than 2 means we have two different entities. Clear? So if E1, E2 up to EN are entity sets, then the relationship set R is in subset of small E1, small E2 up to EN, such that small E1 belongs from capital E1, small E2 belongs from capital E2 up to small EN belongs from capital EN. That means E1 is an entity of entity set E1, E2, small E2 is the entity set, entity of entity set capital E2, and small EN is an entity of entity set capital EN, where E1, E2 up to EN is a relationship. ठीक है, that means अगर मेरे पास एक रिलेशन, एक एंटिटी सेट है ये, इसको हम टर्म करते हैं ए, सेकेंड एंटिटी सेट मिल रहा है हमें बी, जिसको टर्म करते हैं हम बी, और थर्ड एंटिटी सेट मुझे मिल रहा है सी। ठीक है, इनके बीच में अगर मैं कोई एसोसिएशन मेंटेन करता हूँ, ये एक एसोसिएशन मेंटेन कर रहा हूँ कि ये ए इस बी से रिलेटेड है और इस सी से रिलेटेड है, तो इस पर्टिकुलर एसोसिएशन को हम बोलेंगे रिलेशनशिप सेट। क्लियर है? दैट मीन्स सेट ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप। हम एक पर्टिकुलर ए एंटिटी को एक पर्टिकुलर बी एंटिटी से और उसी एक पर्टिकुलर सी एंटिटी से क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, और इनके पूरे कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, उन कलेक्शन को हम बोलेंगे रिलेशनशिप सेट। ठीक है, इन एंटिटीज के कलेक्शन को हम बोल रहे हैं एंटिटी सेट ए, इन एंटिटीज के कलेक्शन को हम बोल रहे हैं एंटिटी सेट बी, इन एंटिटीज के कलेक्शन को हम बोल रहे हैं एंटिटी सेट सी, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं, जो सेट ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप्स, इज नोन एज रिलेशनशिप सेट। क्लियर है? सो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर टू एंटिटी सेट कस्टमर एंड लोन। तो जैसे हमने कस्टमर और लोन का एग्जाम्पल पहले भी लिया, तो कस्टमर एंड लोन, ठीक है, यहां जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि दिस इज एन कस्टमर एंटिटीज, दिस आर लोन एंटिटीज, दिस इज वन कस्टमर, दिस इज वन लोन एंटिटी। क्लियर है? सो कंसिडर टू एंटिटी सेट कस्टमर एंड लोन, वी डिफाइन द रिलेशनशिप सेट बोरोअर to denote the association between customers and their bank loans
क्लियर है, कस्टमर्स एंड देयर बैंक लोन्स. फॉर एग्जाम्पल दीज आर द कस्टमर एंटिटीज, दीज आर द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ कस्टमर एंटिटी, कस्टमर आई डी, कस्टमर नेम, उनका कुछ अदर डिटेल्स स्टोर्ड हैं. सिमिलरली लोन के भी लोन आई डी एंड लोन अमाउंट स्टोर्ड हैं. अब मुझे ये मेंटेन करना है कि कौन से कस्टमर का कौन सा लोन है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एसोसिएशन मेंटेन कर रहे हैं इनके बीच में कि एक कस्टमर है स्मिथ जिसका लोन आईडी है L23 और एक और लोन उसने लिया है इसका आईडी है L11. सिमिलरली विलियम्स एक ऐसा कस्टमर है जिसकी लोन आईडी है L17. ठीक है, सो दिस इज वन रिलेशनशिप एंड दिस इज द रिलेशनशिप सेट जिसको हम टर्म कर रहे हैं बोरोअर. क्लियर है, सो बोरोअर इज एन रिलेशनशिप सेट और इट इज एन सेट ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप्स. क्लियर है, सो इन ईआर डायग्राम रिलेशनशिप को हम डिनोट करते हैं थ्रू डायमंड बॉक्स. ठीक है, इसको हम इसको अपन एंटिटी सेट्स को जो है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से. ठीक है, तो कस्टमर एंड लोन दो मेरे पास क्या है, एंटिटी सेट्स हैं. ठीक है, और एक इनके बीच में एक रिलेशनशिप है जिसको हम बोल रहे हैं बोरोअर. सो दिस इज एन रिलेशनशिप सेट, दिस इज एंटिटी सेट, दिस इज अगेन एंटिटी सेट. So this is E2 entity set, this is E1 entity sets, and this is the relationship between E1 and E2. And the various attributes of customers are customer ID, customer name, customer street, customer city, where customer ID is a prime attribute. Similarly, for the loan entity sets, there we define two attributes. First one is loan number, second one is loan amount, where loan number is a prime attribute which identifies the loans. ठीक है, यूनिकली. तो अब इनके बीच में जो हम ये डिफाइन कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप सेट, और रिलेशनशिप सेट को हम डिनोट करते हैं डायमंड बॉक्स से. क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट टर्म इज पार्टिसिपेशन. सो व्हाट इज अ पार्टिसिपेशन, द एसोसिएशन बिटवीन एंटिटी सेट्स इज नोन एज पार्टिसिपेशन. अगर एसोसिएशन बिटवीन एंटिटी बोलूं तो उसको बोलेंगे हम रिलेशनशिप, and association between entity sets is known as is participation. That is the entity sets E1, E2 up to EN participate in a relationship set R. ठीक है, तो किस टाइप का वो पार्टिसिपेशन मेंटेन कर रहा है उसको हम डिफाइन करते हैं पार्टिसिपेंट कंस्टेंट से. तो दो टाइप के पार्टिसिपेंट कंस्टेंट्स होते हैं, एक होता है टोटल एक होता है पार्शियल. तो वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट वन इज टोटल. सो द पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी सेट capital E in a relationship set capital R is said to be total if every entity in E participates in at least one relationship in R. ठीक है, मतलब सारे के सारे एंटिटी उसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे टोटल. एंड इफ ओनली सम एंटिटीज इन E पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप्स इन R, द पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी सेट कैपिटल E इन रिलेशनशिप सेट R इज सेड टू बी पार्शियल. ठीक है, एग्जांपल समझते हैं. वी हैव टू एंटिटी सेट्स, फर्स्ट वन इज स्टूडेंट एंटिटी सेट, सेकंड वन इज टीचर एंटिटी सेट. ठीक है, सो T1, T2, T3, T4 एंड T5, देयर आर फाइव टीचर एंटिटीज, एंड S1, S2, S3, S4, S5, S6, देयर आर सिक्स स्टूडेंट एंटिटीज. क्लियर है, अब इनके बीच में हम रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं कि टीचर T3 टीचेस स्टूडेंट S1, टीचर T1 टीचे स्टूडेंट S2, टीचर T2 टीचे स्टूडेंट S4, टीचर T4 टीचे S3, T5 टीचे S5. ठीक है, सो दिस इज द रिलेशनशिप. ये एक रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है कि T1 इज एसोसिएटेड विद S2, एंड दिस इज द सेट ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप. सो इट इज रिलेशनशिप सेट. सो रिलेशनशिप सेट को हमने नाम दिया है टीचेस. ठीक है, अब मुझे यहां पे डिफाइन करना है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट. तो पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट मींस जो एंटिटी सेट्स हैं उनके बीच में कैस किस टाइप का एसोसिएशन है, वेदर वो फुल्ली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि वेदर वो पार्शियली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, सो टीचर के जो फाइव इंस्टेंसेस हैं, ठीक है, टीचर के जो फाइव एंटिटीज हैं T1, T2, T3, T4, T5, वो सारे के सारे किसी ना किसी स्टूडेंट से एसोसिएटेड हैं. ठीक है, T1 जो एसोसिएटेड है वो S2 से एसोसिएटेड है, T2 जो है S4 से एसोसिएटेड है, T3 S1 से, T4 S4 से, sorry S3 से, एंड T5 S5 से. कोई भी ऐसा कोई टीचर नहीं है जो किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा है. दैट मींस T1
टीचर का जो पार्टिसिपेशन है वो क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन, ठीक है। व्हाट इज टोटल पार्टिसिपेशन, इफ ऑल द एंटिटीज शुड पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन रिलेशनशिप, उसको हम बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। एंड इफ सम ऑफ द एंटिटीज पार्टिसिपेट्स इन अ रिलेशनशिप, दैट मीन्स द पार्टिसिपेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी सेट इज सेट टू बी पार्शियल, ठीक है। सम ऑफ द एंटिटीज मीन्स, अब देखिए यहां पर S1 पार्टिसिपेट कर रहा है, S2 पार्टिसिपेट कर रहा है, S3 इस रिलेशनशिप पार्टिसिपेट कर रहा है, S4 इस रिलेशनशिप पार्टिसिपेट कर रहा है, S5 भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन S6 जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि टीचर तो सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो टीचर से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन टीचर है तो किसी न किसी स्टूडेंट को पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में स्टूडेंट का जो है वो क्या है, पार्शियल पार्टिसिपेशन, क्लियर। तो यही डेफिनेशन आपको दी हुई है कि द पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी सेट कैपिटल ई इन अ रिलेशनशिप सेट कैपिटल आर इज सेट टू बी टोटल, ठीक है। टोटल मींस इफ एवरी एंटिटी इन ई पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन रिलेशनशिप इन आर, सो एवरी एंटिटी इन ई शुड पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन रिलेशनशिप इन आर, मतलब इस टीचर्स में इसका कम से कम एक एसोसिएशन तो यहां पर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टोटल पार्टिसिपेशन। एंड इफ ओनली सम एंटिटीज इन ई पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप्स इन आर, द पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी सेट इज ई इन रिलेशनशिप आर इज सेट टू बी पार्शियल, मतलब कुछ एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ एंटिटीज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। अब इनको ER डायग्राम में हमें डिनोट करना है, तो हम मेंटेन करते हैं सिंगल लाइन फॉर पार्शियल पार्टिसिपेशन, डबल लाइन फॉर टोटल पार्टिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल ये टीचर है, टीचर एंटिटी सेट हमने डोनेट किया है, और यहाँ पे हमने डिनोट किया है हमने स्टूडेंट एंटिटी सेट्स, ठीक है। तो दो एंटिटी सेट्स है मेरे पास, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का नाम हमने रखा है टीचर्स, ठीक है। अब टीचर्स में जो है स्टूडेंट का पार्शियल पार्टिसिपेशन था, इसलिए यहाँ पर सिंगल लाइन है, टीचर का जो है टोटल पार्टिसिपेशन था, इसलिए इसका यहाँ पर क्या है, डबल लाइन है, क्लियर है। दैट मीन्स टीचर हैव टोटल पार्टिसिपेशन एंड स्टूडेंट हैव पार्शियल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो पार्शियल पार्टिसिपेशन जहां भी आएगा हम सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, और टोटल पार्टिसिपेशन को हम डिनोट करते हैं डबल लाइन से, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनशिप इंस्टेंस। सो अ रिलेशनशिप इंस्टेंस इज एन ER स्कीमा रिप्रेजेंट्स एन एसोसिएशन बिटवीन द नेम्ड एंटिटीज इन द रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज दैट इज बीन मॉडल्ड। फॉर एग्जाम्पल जो हमने ये मेंटेन किया है S2 विद T1, ठीक है, S2 is associated with T1, तो ये एक रिलेशनशिप है, इस एक रिलेशनशिप को हम बोलते हैं रिलेशनशिप इंस्टेंस। तो ये होता है नेम एंटिटीज के बीच में, तो नेम एंटिटीज मींस T1 टीचर इज एसोसिएटेड विद S2 स्टूडेंट, क्लियर है। तो इस एक इंस्टेंस को हम बोलेंगे, इस एक पर्टिकुलर एसोसिएशन को हम बोलेंगे रिलेशनशिप इंस्टेंस। सो फॉर एग्जाम्पल द इंडिविजुअल कस्टमर एंटिटी हैज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हेज इज एसोसिएटेड विद L15, सो दिस इज आल्सो एन रिलेशनशिप सेट, रिलेशनशिप इंस्टेंस ऑफ एंटिटी सेट बोरोअर। तो ये एक इंस्टेंस हुआ उस पर्टिकुलर बोरोअर रिलेशनशिप का, क्लियर है। सो दिस रिलेशनशिप इंस्टेंस रिप्रेजेंट्स दैट इन द रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज द पर्सन कॉल्ड हेज हु होल्ड्स कस्टमर आईडी दिस हैज टेकन द लोन दैट इज नंबर्ड L15, मतलब ये एक इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हेज जो है जिसकी कस्टमर आईडी कुछ दी हुई है उसने एक लोन नंबर लिया हुआ है, लोन आईडी दिया हुआ है हमें L15, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स। तो हमने एट्रीब्यूट देख लिए थे एंटिटी सेट्स के, जिसमें हमने देखा था सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, स्टोर, डिराइव, प्राइम एंड नल वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है। एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। So, a relationship may also have attributes called descriptive attribute. मतलब अगर relationship के में अगर हम entity sets में अगर हम attribute define करते हैं, तो उसको हम define कर रहे हैं simple composite में, single valued और multi valued में, stored derived में and आपका prime and null attributes में, ठीक है। अब एक special attribute होता है जो relationship maintain करता है, तो उस relationship में जो attribute होता है उसको हम बोलते हैं descriptive attribute।
वो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट आपका सिंपल भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, सिंगल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड भी हो सकता है, जितनी कैटेगरी हमने पहले पढ़ी है वो यहाँ भी हो सकती हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हम डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट बोलेंगे। क्लियर है? तो अब इस डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट की जरूरत कहां पड़ती है हमें, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखूं, मेरे पास कस्टमर एंटिटीज हैं, ठीक है, ये अपन यहां देखते हैं, यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास एंटिटीज हैं, टू एंटिटी सेट्स हैं, एक एंटिटी सेट है कस्टमर, एक एंटिटी सेट है मेरे पास लोन, ठीक है? तो दीज आर द लोन एंटिटीज, दीज आर द कस्टमर एंटिटीज, ठीक है? अब कौन सा कस्टमर किस लोन को टेक कर रहा है, या कौन सा कस्टमर ने कौन से लोन को लिया है, उसको हम बोलेंगे रिलेशनशिप सेट बोरोअर, ठीक है? तो ये हो गया रिलेशनशिप सेट मेरा, ठीक है? अब अगर मुझे पता करना है कि कौन से कस्टमर ने लोन की लास्ट केस कब भरी उसने, ठीक है, मतलब उस लोन को कब उसने एक्सेस किया है, ठीक है, मतलब लोन उसने लोन अमाउंट ले लिया, उसकी ईएमआई पटा रहा होगा, तो ईएमआई की उसने कौन से डेट पे वो ईएमआई पटाई है, तो वो हम कहां मेंटेन करेंगे? अगर मैं लोन में मेंटेन करता हूं तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उस लोन में हो सकता है कि कोई कस्टमर ही ना हो, ठीक है, मेरे पास एक लोन आईडी है जिसका कोई कस्टमर नहीं है, ऐसा हो सकता है हमारे पास, ठीक है? या ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर ने, कस्टमर है तो जरूरी है, नहीं है कि बैंक के कस्टमर्स लोन लें, ठीक है, बैंक के पास कस्टमर ऐसे भी हो सकते हैं जिनका सिर्फ सेविंग अकाउंट है, उसने कोई लोन नहीं लिया हुआ है, ठीक है? तो मैं कस्टमर में भी मेंटेन नहीं कर सकता, मैं लोन में भी मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है? तो मुझे कहां मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे मेंटेन करना पड़ेगा बोरोअर में, कि इस कस्टमर ने इस लोन की लास्ट ईएमआई पटाई है, तो वो ईएमआई पटाने यहां पर मेंटेन किया हुआ है कि इस लास्ट डेट पे ईएमआई पटाई है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पे एक और एग्जांपल दिया है आपको, यहां पे डायग्राम नहीं है, ठीक है, डायग्राम यहीं से समझते हैं, कस्टमर है, अकाउंट है, ठीक है, कस्टमर के पास अकाउंट है, अब मैं को एक्सेस डेज मेंटेन करना है कि इस अकाउंट को उसने लास्ट कब एक्सेस किया है, तो अगर मैं अकाउंट पे मेंटेन करूं तो सभी अकाउंट के पास कस्टमर हो ऐसा जरूरी नहीं है, सभी कस्टमर के पास अकाउंट हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है, प्लस एक कस्टमर के पास एक से ज्यादा अकाउंट हो सकते हैं, तो अगर मैं एक्सेस डेट कस्टमर मेंटेन करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से अकाउंट को मैंने कब एक्सेस किया है, मेरे को एक ही एक्सेस डेट मिलेगी, अगर मेरे पास मल्टीपल अकाउंट है तो मेरे को दो एक्सेस डेट मेंटेन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे मेंटेन करना पड़ेगा इस डिपॉजिटर में कि इस कस्टमर ने पहला अकाउंट इस डेट को एक्सेस किया है, इस कस्टमर ने दूसरा अकाउंट इस डेट को एक्सेस किया है, तो ये आपको कस्टमर के डिपॉजिटर रिलेशनशिप में ही मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? सो दिस इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, तो ये डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं एक्सेस डेट, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं टर्म डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है, सो द नंबर ऑफ एंटिटी सेट्स दैट पार्टिसिपेट्स इन अ रिलेशनशिप सेट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप सेट, ठीक है, मतलब एक रिलेशनशिप है मेरे पास और अब इस रिलेशनशिप में कितने एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर एक ही एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे यूनरी, दो एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं E1 एंड E2 तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी, तीन एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं E1, E2, E3 उसको बोलेंगे हम टर्नरी, और अगर फोर एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्वार्टरनरी, क्लियर है? सो यूनरी रिलेशनशिप मीन्स डिग्री 1, बाइनरी रिलेशनशिप मीन्स डिग्री 2, टर्नरी रिलेशनशिप मतलब डिग्री 3, और उसके आगे हम जनरली यूज करते हैं एनरी रिलेशनशिप, एन एंटिटीज पार्टिसिपेट इन ए रिलेशनशिप, ठीक है, तो कहीं कहीं आपको क्वार्टरनरी भी मिलेगा या तो आपको डायरेक्टली एनरी रिलेशनशिप मिलेगी, क्लियर है? सो एग्जांपल्स देखते हैं, पहला एग्जांपल देख रहा है यूनरी रिलेशनशिप, ठीक है, यूनरी रिलेशनशिप मींस एन इज इक्वल टू 1, एक ही एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक ही एंटिटी है मेरे पास एम्प्लॉई, एक ही रिलेशनशिप है मेरे पास वो है वर्क्स फॉर, ठीक है, अब यहां पे मैं इस Employee को क्या कर रहा हूं, मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक को कर रहा हूं मैं E1, एक को कर रहा हूं मैं E2, ठीक है, ऑल्दो मेरे पास एक ही एंटिटी सेट है लेकिन मैं उसको टर्म कर रहा हूं E1 एंड E2, और इस E1 और E2 के बीच में मैं रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा हूं रिलेशनशिप R, ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर एम्प्लॉय, ठीक है, सो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर एम्प्लॉय इसका मतलब यह है कि कुछ एम्प्लॉय मेरे वर्कर हैं, कुछ एम्प्लॉय मेरे मैनेजर्स हैं, सो वर्कर वर्क्स फॉर मैनेजर्स, ठीक है, तो ये भी एम्प्लॉय है, ये भी एम्प्लॉय है, ठीक है, मैंने इन दोनों को डिस्टिंग्विश क्या किया कि ये एम्प्लॉय जो है मेरा वर्कर है और ये एम्प्लॉय जो है वो है मैनेजर, ठीक है, मतलब
ईवन वाले एम्प्लॉयज जो है वो क्या है, वर्कर्स हैं, और ई टू वाले एम्प्लॉयज जो है वो क्या है, मैनेजर्स हैं। तो ईवन जो है वो ई टू के लिए काम कर रहा है, इसलिए आपने आप में रिलेशनशिप मेंटेन की है वर्क्स फॉर, ठीक है। तो ये यूनरी रिलेशनशिप है क्योंकि इसमें एंटिटी एक ही है, एंटिटी सेट एक ही है, ठीक है। तो एंटिटी सेट एक है लेकिन हम उसको डिस्टिंक्ट टर्न कर रहे हैं कि एक एम्प्लॉय ईवन है, एक एम्प्लॉय ई टू है, ठीक है, और उनके बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है जिसका नाम हम लिख रहे हैं आर, जिसको हम बोल रहे हैं वर्क्स फॉर, क्लियर है। सो मैनेजर्स एंड वर्कर्स बोथ आर एम्प्लॉयज, तो इसलिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मेंशन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये देखेंगे आगे क्या है, ये इसको भी देखते हैं। सेकंड देखते हैं बाइनरी रिलेशनशिप वेयर एन इज इक्वल टू टू। एन इज इक्वल टू टू मीन्स अगेन वी हैव टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज ईवन ई टू, और उसके बीच में मैं एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा हूँ आर। सो आर इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशनशिप इफ इट हैव टू पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट एंटिटी सेट्स विच आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर, क्लियर है। तो E1 एंड E2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं E1 को हम कस्टमर देख रहे हैं, E2 को हम लोन देख रहे हैं। सो कस्टमर बोरोस लोन, तो हमने बीच में एक बोरोअर रिलेशनशिप मेंटेन की है। सो ये एक बाइनरी रिलेशनशिप है क्योंकि मेरे पास दो क्या है, एंटिटी सेट्स हैं जो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लियर है। थर्ड देखते हैं टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप मीन्स एन इज इक्वल टू थ्री। एन इज इक्वल टू थ्री मीन्स अगेन आई हैव थ्री डिस्टिंक्ट एंटिटीज E1, E2 एंड E3 विच आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर थ्रू रिलेशनशिप सेट R, ठीक है। तो अब यहां देख रहे हैं एम्प्लॉय वर्क्स फॉर ए ब्रांच एंड हैज ए स्पेसिफिक जॉब असाइन टू दैट पर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है। तो कोई जो एम्प्लॉय है वो एक ब्रांच के लिए काम कर रहा है, तो उस ब्रांच में उसको एक पर्टिकुलर जॉब असाइन किया गया है। तो हमारे पास तीन एंटिटी सेट्स हैं, एक है हमारे पास एम्प्लॉय एंटिटी सेट, एक हमारे पास ब्रांच एंटिटी सेट है, और एक जॉब एंटिटी सेट है, ठीक है। इन तीनों के बीच में हमने एक रिलेशनशिप मेंटेन की है जिसका नाम हम दे रहे हैं कैपिटल आर, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्वार्टर रिलेशनशिप भी एक आध मेंटेन हो सके, जिसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं आगे चल के। तो अभी हमारे पास ये तीन एग्जाम्पल मैंने बताया आपको टर्न रिलेशनशिप के लिए। क्वार्टर रिलेशनशिप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और एंटिटी को यहाँ पर एसोसिएट करना पड़ेगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं रोल। सो रोल इंडिकेटर्स क्या काम करते हैं वो देखते हैं। सो द फंक्शन, हाँ सर, रिलेशनशिप का सेट का एक बार डेफिनेशन दिखाएंगे सर। रिलेशनशिप सेट की डेफिनेशन, सर इसमें n ग्रेटर देन 2 है ना सर, n इज ग्रेटर देन 2, पॉसिबली नॉन डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है, ग्रेटर देन n इक्वल्स टू भी 2 लिखा ना। तो सर अभी हम लोग फिर यूनरी रिलेशनशिप कैसे बना लिए? तो यूनरी रिलेशनशिप के लिए मैंने बताया ना आपको कि एक एंटिटी है लेकिन उसको हम टर्म कर रहे हैं E1 एंड E2 में। ये देखिए E1 एंड E2 दो हम डिस्टिंक्ट टर्म कर रहे हैं ना, इसलिए तो यहाँ लिखा है पॉसिबली नॉन डिस्टिंक्ट, सॉरी पॉसिबली डिस्टिंक्ट, यहाँ पे लिखा है पॉसिबली नॉन डिस्टिंक्ट, मतलब वो नॉन डिस्टिंक्ट एंटिटी भी हो सकती है और डिस्टिंक्ट एंटिटी सेट भी हो सकता है। ओके सर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट एंटिटी सेट ही रहे, एक एंटिटी दो बार पार्टिसिपेट भी कर सकता है, उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप और यूनरी रिलेशनशिप। तो यही रिकर्सिव रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो रोल इंडिकेटर्स देखते हैं। तो द फंक्शन दैट एन एंटिटी प्लेस इन रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड द एंटिटीज रोल, ठीक है। अब जो रोल होता है वो क्या होता है, फंक्शन होता है। एंटिटी जो है उस रिलेशनशिप में किस टाइप का रोल प्ले कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग रोल इंडिकेटर्स, ठीक है। सो सिंस एंटिटी सेट्स पार्टिसिपेट इन ए रिलेशनशिप सेट आर जनरली डिस्टिंक्ट, तो अभी हमने देखा बाइनरी रिलेशनशिप, टर्नरी रिलेशनशिप, तो उसमें क्या था, डिस्टिंक्ट एंटिटी सेट से। देखिए यहां पर कस्टमर एंड लोन, तो कस्टमर अलग एंटिटी है, लोन अलग एंटिटी है, दोनों डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं, तो मुझे रोल इंडिकेट करने की नीड नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि जो भी मेरे को यहां पर सेट बन रहा है, ठीक है, यहां पे जो दो सेट बन रहा है मेरा, यहाँ से एक पर्टिकुलर एंटिटी आ रही है, यहाँ से एक पर्टिकुलर एंटिटी आ रही है, तो इस एंटिटी का क्या रोल है और इस एंटिटी का क्या रोल है मुझे यहाँ पता है कि ये एंटिटी जो है वो कस्टमर है और ये एंटिटी जो है मेरे लोन आईडी से, क्लियर है। तो इस केस में मुझे रोल इंडिकेट करने की नीड नहीं है। सिमिलरली टर्नरी रिलेशनशिप में भी जब ये रिलेशनशिप मेरी यहाँ बन रही है तो इस रिलेशनशिप में हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा था जिसमें हमने E1, E2, E3 करके देखा था,
ठीक है, तो ये ई वन कहां से आ रहा है, ई वन आ रहा है एम्प्लॉय से, ई टू कहां से आ रहा है, ई टू आ रहा है ब्रांच से, ई थ्री कहां से आ रहा है, ई थ्री आ रहा है जॉब से, ठीक है। तो ई वन का क्या रोल है वो पता है मुझे, कि ई वन जो है वो एम्प्लॉय है, ई टू जो है वो ब्रांच से है, ई थ्री जो है वो जॉब टाइटल्स है, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप में कि ये एम्प्लॉय, ठीक है, ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय ये पर्टिकुलर ब्रांच में ये पर्टिकुलर जॉब टाइटल होल्ड किया हुआ है, क्लियर है। अब अगर मैं आता हूं यूनियन रिलेशनशिप में, तो यूनियन रिलेशनशिप में अगर जब मैं यहां पे एंटिटीज को मेंटेन करूं ई वन कॉमा ई टू, ठीक है, तो अब मुझे यहां पे रोल इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये ई वन क्या है, ये ई टू क्या है, क्योंकि दोनों के दोनों एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। अगर मैं यहां दिनेश लिख रहा हूं, दिनेश अगर एक एम्प्लॉय है, तो यहां भी दिनेश लिख रहा हूं, यहां भी दिनेश हो सकता है, ठीक है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये दिनेश जो है वो वर्कर है, ये दिनेश मेरा मैनेजर है, तो मुझे यहाँ पर रोल इंडिकेट करना पड़ेगा। तो ये जो वर्कर मैनेजर लिखे गए हैं ये क्या है, रोल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। सो रोल्स आर इम्प्लिसिट एंड आर नॉट यूजली स्पेसिफाइड, ठीक है। अगर डिस्टिंक्ट एंटिटी से हैं तो इम्प्लिसिट मीनिंग बन रही है उसकी, तो मुझे स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है। हाउएवर दे आर यूजफुल व्हेन द मीनिंग ऑफ द रिलेशनशिप नीड्स क्लैरिफिकेशन, तो मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए वहां पर, मुझे वहां पर चाहिए रोल इंडिकेटर्स, ठीक है। सो सच इज द केस व्हेन द एंटिटी सेट्स ऑफ एन रिलेशनशिप सेट आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो नॉट डिस्टिंक्ट में क्या होगा, यूनियन रिलेशनशिप होंगी कि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर एम्प्लॉय, तो दोनों के दोनों एम्प्लॉय हैं जो रिलेशनशिप में, दो ई वन और ई टू आ रहे हैं, दोनों के दोनों एम्प्लॉय से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे डिस्टिंक्ट एंटिटी सेट्स नहीं है, सिमिलर एंटिटी है, दो बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। That is the same entity set participate in relationship set more than once in different roles. So different roles मतलब एक worker है, एक manager है, ठीक है। So in this type of relationship set, sometimes call a recursive relationship set. Explicit role names are necessary to specify. So for every unary relationship, we have to specify our role names or role indicators. ठीक है, सो ये हो जाते हैं आपके रोल इंडिकेटर्स, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर एम्प्लॉय। सो ये एम्प्लॉय जो है, मतलब ये जो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में है वो है वर्कर, और ये जो लाइन है इसमें जो है वो है मैनेजर्स, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी हम टर्म कर सकते हैं कि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। और यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि ये सारे के सारे वर्कर हैं, यहां पे सारे के सारे मैनेजर्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं मेंटेन करूं कि ये एम्प्लॉय और ये एम्प्लॉय अलग अलग टेबल है, मान के चलो ये एम्प्लॉय वन है, ये एम्प्लॉय टू है, इस एम्प्लॉय वन में सारे के सारे वर्कर हैं, ये एम्प्लॉय टू में सारे के सारे मैनेजर्स हैं, ठीक है। इनके बीच में अगर मैं वर्क्स बनाता हूं तो ये मेरी हो जाती है बाइनरी रिलेशनशिप, जिसमें दो अलग अलग एंटिटीज है मेरे पास। लेकिन अभी मेरे पास क्या है कि ये भी एम्प्लॉय है, ये भी एम्प्लॉय है, ठीक है। हम टर्म कर रहे हैं कि ये वर्कर है, ये मैनेजर है, उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो दो पर्टिकुलर एंटिटीज के नेम सेम है, तो इसका मतलब है कि वो डायग्राम गलत है, उसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा मुझे यूनरी रिलेशनशिप, इंस्टेड ऑफ बाइनरी वी हैव टू मेंटेन इन अ यूनरी रिलेशनशिप, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा यूनरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट आ जाते हैं मैपिंग कार्डिनैलिटीज, और यू कैन ऑल्सो टर्म इट एज कार्डिनैलिटी रेशियो, ठीक है। सो मैपिंग कार्डिनैलिटीज और कार्डिनैलिटी रेशियो express the number of entities to which another entity can be associated via a relationship set, clear hai? That means the number of entities to which another entity can be associated, theek hai, that means kitne entity kitne dusre entities se associated hain, theek hai, वन एंटिटी सेट के कितने एंटिटीज दूसरे एंटिटी सेट्स के कितने एंटिटीज के साथ क्या है एसोसिएटेड है, उनको बोलते हैं मैपिंग कार्डिनैलिटीज, ठीक है। और इन मैपिंग कार्डिनैलिटी को हम जनरली डिफाइन करते हैं बाइनरी रिलेशनशिप में, ठीक है। सो मैपिंग कार्डिनैलिटीज आर मोस्ट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग बाइनरी रिलेशनशिप्स, ऑल्दो दे कैन कंट्रीब्यूट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप सेट दैट इन्वॉल्व मोर देन टू एंटिटी सेट्स। तो अगर दो एंटिटी सेट्स अगर हैं, मतलब मेरे पास अगर बाइनरी की जगह अगर टर्नरी रिलेशनशिप्स है या क्वार्टरनरी रिलेशनशिप्स है, तो उनको मैं इंडिविजुअल बाइनरी बाइनरी रिलेशनशिप करके ही क्या करूंगा, टर्म करूंगा, और उसको मैं डिफाइन करूंगा कि वो पर्टिकुलर एंटिटी सेट के इसमें क्या मैपिंग कार्डिनैलिटीज हैं। सो फॉर अ बाइनरी रिलेशनशिप सेट आर बिटवीन एंटिटी सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, द मैपिंग कार्डिनैलिटीज मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग।
अब चार टाइप की मैपिंग आइडेंटिटी से डिफाइन करते हैं हम दो, अगर मेरे पास दो एंटिटी सेट्स हैं, एक है ए एक है मेरे पास बी, इनके बीच में अगर मैं एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा हूं आर, तो इस आर को हम डिफाइन करते हैं, इनकी कार्डिनलिटी को डिफाइन करते हैं वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। ठीक है, अब ये होती क्या है वन बाई वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज वन टू वन, फॉर वन टू वन एन एंटिटी इन ए एसोसिएटेड विद एटमोस्ट वन एंटिटी इन बी एंड एन एंटिटी इन बी इज एसोसिएटेड विद एटमोस्ट वन एंटिटी इन ए। ठीक है, दैट मीन्स दीज आर द ए एंटिटीज, these are b entities, so for each entity of a it is associated to only one entity in b, so a jo hai sirf a ki se associated hai, a to b a ki se associated hai, a 3 bhi a ki se associated hai, a 4 bhi a ki se associated hai, to ye a to b mera kya hai 1 to 1 hai। ab b to a dekhte hain to b ke bhi ek entity ek se hi associated hai, b 2 ki ek entity ek hi se associated hai, b 3 bhi a ki se associated hai, b 4 bhi a ki se associated hai, so for b to a it is also 1 to 1, clear hai। ab dekhte hain 1 to many, for 1 to many means 1 sir, sir 1 to 1 jo aapne bataya usme aise entities ho sakte hain jo kisi se associated hain, bilkul ho sakte hain, abhi dekh rahe hain usko, dekhte hain usko bhi, theek hai। ab dekhiye again I have 3 a entities a A1, A2, और we have 5 B entities, ठीक है? One A entity is associated to one and many B entities, ठीक है? One A is associated to many B entities. So if an entity in A associated with any number of entities in B, that means any number of means 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, any number of entities से वो क्या हो रही है associated हो रहे हैं, clear है? तो this is 1 to many b entities, one a entity is associated to many b entities, so from a to b it is 1 to many, theek hai, so 1 a 2 is associated with 2 b entities, a 3 is associated to only 1, so 1 is also considered as many agar individual term dekhen to, theek hai। ab agar main b to a dekhu to many b entities are associated to only a, only one a entities, ठीक है, so many B entities are associated to one A entities, so B to A it is many to one, ठीक है, so one to many को उल्टा हम बोलेंगे many to one, जब अगर मैं A to B की जगह B to A बोलूं, ठीक है, similarly है आपका ये many A entities are associated to one B entities, ठीक है, देखिए A1 A2 जो है वो B1 से associated है, ठीक है, A4 and A5 is associated to B3, ठीक है, so one entity of B is associated to many A entities, B to A it is one to many, but from A to B it is many to one, clear है? And many to many means many A entities are associated to many B entities, ठीक है, तो A1 जो है वो दो से associated है, A2 दो से associated है, A3 भी दो से associated है, A4 भी दो से associated है, अगेन बी टू ए देखते हैं तो बी वन इज अगेन एसोसिएटेड विद ए वन एंड ए टू, बी थ्री इज ऑल्सो एसोसिएटेड ए थ्री एंड ए फोर, सो इट इज मैनी टू मैनी फ्रॉम बोथ दी साइड्स। अब ईआर डायग्राम इनको कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो ईआर डायग्राम में हमने कैसे मेंटेन करते हैं कि जहां भी वन है, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ वन टू वन मतलब ए का वन है मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एरो इंडिकेट करना है, यहाँ भी वन है इससे मुझे यहाँ पे भी एरो इंडिकेट करना है, क्लियर है। अगर आ जाते हैं वन टू मैनी, तो वन टू मैनी मीन्स ए साइड से क्या है वन है, बी साइड से क्या है मैनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरो, यहाँ पे हम एरो नहीं लगाएंगे, जहां एरो नहीं है मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि वो मैनी एंटिटीज है। मैनी टू वन मीन्स दिस इज मैनी दिस इज वन, सो मैनी बी ए एंटिटीज आर एसोसिएटेड टू सिंगल वन बी एंटिटीज, ठीक है, एंड मैनी बी एंटिटीज आर एसोसिएटेड टू मैनी A entities, so generally इसको हम बोलते हैं m raise to n, m raise to m नहीं बोलते हैं, क्योंकि m raise to अगर मैं m बोलूंगा इसका मतलब ये है कि अगर यहां से पांच एंटिटी एसोसिएट हो रहे हैं तो यहां भी पांच एंटिटी से ही एसोसिएट होंगे, ठीक है, पांच इनके पांच से एसोसिएट हो रहे हैं, इनके पांच इनके पांच, जबकि ऐसा नहीं है, मैनी टू मैनी मतलब इनके पांच इनके दो से भी एसोसिएट होते हैं, इनके पांच इनके तीन से भी एसोसिएट हो सकते हैं,
सो ये रेशियो जनरली जो होता है हम डिफाइन करते हैं मैनी टू मैनी को एम रेस टू एन। ठीक है, अब आ जाते हैं डाउट आपका कि हो सकता है कि यहां पर एक F5 एंटिटी है वो किसी से भी एसोसिएट नहीं है। ठीक है, अगर ये किसी से भी एसोसिएट नहीं होता तो इस पर्टिकुलर ए का जो होता वो क्या होता, पार्शियल पार्टिसिपेशन होता। अभी यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन इसलिए मैंने यहाँ डबल लाइन यूज की है। अगर यहाँ A5 एक और एंटिटी होती तो मुझे डायग्राम चेंज करना पड़ता, मुझे करना पड़ता यहाँ पर ए और यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता सिंगल लाइन एरो और फिर लगाना पड़ता रिलेशनशिप आर और यहाँ पे मुझे मेंटेन करना पड़ता डबल लाइन क्योंकि यहाँ पर जो है बी का जो है वो टोटल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे बी एंटिटी किसी न किसी एक एंटिटी से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम चेंज होके ऐसा हो जाता अगर यहाँ पे एक एंटिटी ए में एक्स्ट्रा होती जो किसी से भी एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, वो हमने पहले ही टोटल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन में पढ़ लिया है यहाँ पर। क्लियर, यहाँ पर भी देख रहे थे हम लोग कि T3 T1 T2 T3 मतलब सारे के सारे टीचर किसी न किसी स्टूडेंट से एसोसिएटेड हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है वो कुछ स्टूडेंट एसोसिएटेड हैं कुछ स्टूडेंट एसोसिएट नहीं है। अगर मैं इस पार्टनरशिप को बोलूं, ठीक है, तो स्टूडेंट टीचर्स टीचर इट इज ऑल्सो अ वन रिलेशनशिप। S1 जो है वो एक ही स्टूडेंट की टीचर से पढ़ रहा है, S2 एक ही टीचर से पढ़ रहा है, S3 एक ही टीचर से पढ़ रहा है, S4 एक ही टीचर से पढ़ रहा है, S5 भी एक ही टीचर से पढ़ रहा है। सिमिलरली T1 जो है वो एक ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, T2 भी एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, T3 भी एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, T4 भी एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, T5 भी एक ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। क्लियर है, तो डायग्राम में देखिए मैंने वैसे ही बनाया है, स्टूडेंट का पार्शियल पार्टिसिपेशन, टीचर का टोटल पार्टिसिपेशन और दोनों साइड मैंने एरोस लगाए हैं। एरोस लगाए हैं क्योंकि दोनों वन टू वन रिलेशनशिप को ही मेंटेन कर रहे हैं कि वन स्टूडेंट वन टीचर इज एसोसिएटेड टू वन स्टूडेंट। ठीक है, और एक अगर डायग्राम देखें यहाँ पे हमने देखा है कि कस्टमर बोरोअर लोन, तो एक कस्टमर एक से ज्यादा लोन बोरो कर सकता है, सिमिलरली एक लोन के एक से ज्यादा कस्टमर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर मैनी टू मैनी डिफाइन कर रखा है, कहीं भी एरो नहीं है मतलब वो मैनी टू मैनी है। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, आज की क्लास यहीं पे खत्म हो जाती है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट, जिसमें आपको दो पार्टिसिपेशन बताना है, एक तो बताना है आपको टोटल और एक आपको बताना है पार्शियल। ठीक है, दूसरा आता है मैपिंग कार्डिनलिटी और कार्डिनल इशू, इसमें आपको वन टू मैनी मैनी टू मैनी सॉरी मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी ये चारों को विथ एग्जाम्पल डायग्राम के साथ समझाना है। और एक आता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप, एक्सप्लेन रिकर्सिव रिलेशनशिप विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप मींस नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। फिर उसमें आप बताएंगे यूनियरी रिलेशनशिप टर्म रिलेशनशिप विद एग्जांपल, और फिर रिकर्सिव रिलेशनशिप को डिटेल में समझाएंगे, जिसमें आप समझाएंगे कि रिकर्सिव रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है जो एक ही एंटिटी दो बार पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, और उसमें फिर आप रोल इंडिकेटर्स क्यों इंडिकेट कर रहे हैं वो भी आप समझाएंगे। क्लियर है, हाँ, तो अब बताइए इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट। सर रियल टाइम में हम लोग मैनी टू मैनी वाला तो यूज करते हैं सर। सर वो वन हाँ, टू वन वाले भी सर ऐसे यूज होते हैं सर, मतलब इन जनरल। वन वन टू वन रिलेशनशिप इज रेयरली यूज्ड। ओके सर, ठीक है, एकदम रेयर कंडीशन में वन टू वन रिलेशनशिप हम मेंटेन करते हैं, मोस्टली मैनी टू मैनी ही होता है और कहीं कहीं पे वन टू मैनी भी होता है। ओके सर। क्योंकि एक एक टीचर है तो एक ही स्टूडेंट को पढ़ाएगा, तो फिर तो जितने टीचर उतने स्टूडेंट रखने पड़ेंगे हमको। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टीचर एक से ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाएगा, सिमिलरली एक स्टूडेंट जो है एक ही टीचर से पढ़ने बैठेगा तो उसका सिलेबस ही नहीं हो पाएगा, उसको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बाकी टीचर्स भी चाहिए। सो इन द रियल वर्ल्ड सिनारियो ऑलवेज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन वन टू मैनी रिलेशनशिप भी हम लोग यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट्स पे। ओके सर। एनी मोर डाउट्स, अगली क्लास हम लोग यार डायग्राम बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं क्वेश्चन पढ़ के यार डायग्राम, तभी तक में कोई डाउट नहीं है।